हाँ तो देखिए, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक जो हमने चार पांच फॉर्मूले देखे थे, वो सभी फॉर्मूले तब एप्लीकेबल होते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। लेकिन जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो अब कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा एक पार्टिकल है, वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग चलता है, और जब वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग चलता है तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, वो बदलता है। और एक्सेलरेशन दिया है 3t-4 m/s². और हमें बताया गया है कि t=0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो था 2 m/s, और t=0 पे पार्टिकल का जो पोजीशन था, मतलब जहां से उसने चलना चालू किया, वो पोजीशन क्या था, 1 m, x=1 m। और हमको ये पूछा गया है कि बताइए किसी समय t पर इसका वेलोसिटी क्या होगा और किसी समय t पर इसका पोजीशन, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अब जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, इसको बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt। और इसका वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है, 3t-4। अब आप क्या करिए, dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dv किसके बराबर आया, 3t dt -4 × dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट आप पुट करेंगे, तो t = 0 पर वेलोसिटी कितना था, 2, तो यहां पुट किया जाएगा v = 2। और हम मान लेंगे कि किसी समय t पर जो इसका वेलोसिटी है वो कितना है, v। अब इस इंटीग्रेशन का सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट में इंटीग्रेशन होगा, क्या आ जाएगा, v - 2। यहां पे क्या आएगा, तो देखिए इंटीग्रेशन आएगा 3t²/2, और लिमिट पुट होगा कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, एंड -4 × t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। अब लिमिट वगैरह पुट कर दीजिए तो v जो आपका आया वो आया 2 + 3t²/2 - 4t, ये आया v। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये तो हुआ कि किसी समय t पर वेलोसिटी क्या होगा। आपको अगर t = 1 पे वेलोसिटी जाननी है तो इसमें t को 1 पुट कर दें। आपको t = 4 पर वेलोसिटी जाननी है तो आप इसमें t = 4 पुट कर दें। अब अगला पार्ट है, हमें ये पता करना है कि किसी समय t पर इसका x कोऑर्डिनेट, मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, v को फिर से आप क्या लिख लीजिए, dx/dt, और ये किसके बराबर है, हमने सॉल्व किया है अभी, ये है 2 + 3/2 t²-4 × t। अब आप dt का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो dx = 2 dt + 3/2 t²/dt - 4 t dt। अब देखिए, इसको इंटीग्रेट करिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट पुट करनी पड़ेंगे, तो मैं आपको सिखाता हूं। तो t = 0 पे देखिए किसकी लिमिट पुट की जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। तो यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो t का लिमिट, और यहाँ x है तो यहाँ x का। तो t = 0 पे x का वैल्यू क्या था, 1 सवाल में दिया है। और किसी समय t पर हम x की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, x। तो इसको सॉल्व करिए, तो क्या आया, लेफ्ट में आया x - 1, राइट में क्या आया, 2 बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, और लिमिट पुट होगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, तो ये t आएगा। अब लिमिट पुट करना तो आपको आता है, इधर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +3/2 को बाहर फेंक दीजिए, ये आएगा कौन आपका, t³/3, लिमिट पुट करने के बाद। ये कौन आएगा आपका, ये आएगा -4t²/2, t का इंटीग्रेशन होगा ना t²/2। अब सॉल्व कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या है, ये आया 1 + 2t + t³/2 - 2t²। तो ये हुआ किसी से हमें t पर इसका x कोऑर्डिनेट। अगर आपको ये जानना है t = 1 पे कहाँ होगा, तो इसमें t को 1 पुट कर दीजिए। आपको जानना है t = 2 पे कहाँ होगा, तो इसमें t को 2 पुट कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है किसी भी समय t पर क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। हम मान लेते हैं कि एक हमारा पार्टिकल है और वो x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और इस इक्वेशन से डिपेंड करता है कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, सवाल में दिया है। और t = 0 पे जो हमारा पार्टिकल था उसका वेलोसिटी सवाल में बताया है किसके बराबर था, u के बराबर था, कब, t = 0 पे। तो मुझे ये बताना है कि किसी समय t पर इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए, सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv/dt।
ठीक, dv अपॉन dt किसके बराबर है, माइनस ऑफ के वी स्क्वायर। तो v को इधर ले आइए तो कितना आया, ये आया v की पावर ऑफ माइनस टू इंटू dv इक्वल टू माइनस के इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। अब आप जानते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी किसके बराबर था, u के, और किसी समय t पर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, v के। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो इस साइड में इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा v की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और इसमें लिमिट पुट होगा, लोअर लिमिट कितना है u, अपर लिमिट कितना है v, एंड दैट इक्वल टू राइट साइड में माइनस के और इसका t लिमिट पुट करने के बाद। अब इसको एक्सपेंड करिए तो देखिए माइनस वन भाग आ जाएगा, तो मैं इसको माइनस वन भाग लिख देता हूं, और ये आएगा वन अपॉन वी, तो पहले अपर लिमिट पुट होगा फिर लोअर लिमिट पुट होगा, और ये बराबर आया माइनस ऑफ के टी। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका जो वन अपॉन वी आया वो किसके बराबर आया, वो आया वन अपॉन यू प्लस के टी। ठीक, तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये वाली टर्म आपकी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब जो v है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि v कम है तभी तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, और ये टर्म इसके बराबर है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब v क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कितने समय के बाद वेलोसिटी जीरो होगा, तो t इक्वल टू इसमें v को जीरो पुट करके सॉल्व करिए तो t क्या है आपका, इंफिनिटी। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है और वो x डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के बराबर है। पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, ठीक, और इसका जो इनिशियल स्पीड था वो u के बराबर था, मतलब आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज x इक्वल टू जीरो ओरिजिन, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, और शुरुआत में वेलोसिटी किसके बराबर था, u। और आपसे पूछा है कि जब ये किसी x कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा तो यहां इसका जो वेलोसिटी होगा v ये कितना होगा, ये कोई x कोऑर्डिनेट है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए एक्सेलरेशन को हम क्या जानते हैं, dv / dt। अब आपको पता है कि आपको t का रिलेशन नहीं चाहिए, आपको x का रिलेशन चाहिए, तो देखिए आपको एक नई चीज बताता हूं, आप इसमें ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए dx / dt किसके बराबर हो जाएगा आपका, v के, तो v dv / dx किसके बराबर आया, v के, तो v से भी कट जाएगा तो dv किसके बराबर आया, dx के। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो x इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी किसके बराबर था, u के, और किसी x पर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, v के, तो इंटीग्रेशन क्या आया, v माइनस u, ये किसके बराबर आया, x माइनस जीरो, तो v का जो वैल्यू आया वो कितना आया, u प्लस x। ठीक, तो ये किसी पोजीशन x पर इसका कौन आया, वेलोसिटी। तो देखिए जो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस होंगे उन सबको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, उनमें कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए।